हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग, वेलकम टू माय ब्लॉग्स, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं उमगा पहाड़ घूमने। तो जैसे हम लोग बाहर निकले तो बारिश आ गया, तो और मजा आ गया हम लोग को। और हमारे साथ कुछ दोस्त लोग हैं, सुजल थोड़ा, और ये शशिकांत, रोशन, मौसी, और ये हमारे ड्राइवर साहब निशांत पंडित। देखिएगा यही है रोशन कल्लू। देखिए अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे, अरे लेकर ना 400 में कितना 3 लीटर कुछ दलाल होती है। हम लोग निकल गए हैं जी तेल लेकर, गंदा बारिश हो चुकी है, तो और हम लोग को आज मजा आने वाला है। और देखिए लोकेशन, ये हसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां है मेरे साथ ना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, और हम लोग पहुंच गए। और शशिकांत कह रहा है कि दर्जी भी आ गए, और दर्जी भी में हम लोग हैं। और ये देखिए पहाड़ हमारा, जहाँ पे हम लोग को आना था। और ये देखिए जैसा कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर नजारा दिखा रहे हैं आप लोग, कितना बहुत 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 सुंदर नजारा दिखा रहे हैं आप लोग। और ये देखिए गाइस, और यहाँ पे हमारा दोस्त लगे हैं। देखिए गाइस, एक गाय है जो उतर रही है, ऊपर दर्शन के लिए आई थी। और देखिए गाय दर्शन के लिए आई थी, गाय माता यहाँ पे फाइनली पहुँच गए। और ये कुछ पहुँच चुके हैं हम लोग मंदिर के पास, जहाँ दिखा रहे थे। अभी और सीढ़ियाँ हम लोग को चढ़ना बाकी है, देखिए जहाँ तक सीढ़ी है। और सारे लोग थक चुके हैं, और देखिए दर्शन करते हुए कुछ, और देखिए बहुत ही मस्त नज़ारा देखने को मिल रहे होंगे आपको। और हम लोग मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं अब, देख सकते हैं कितना पुराना पुराना दिख रहा होगा पत्थर एकदम। निशांत बताइए कुछ, क्या है ये जो गुफा है, ये देवराज जा के सीधे किला में मिलता है, ये वाला गुफा देव जा के सीधा किला मिलता है, देवराजा का किला में, देवरानी के नहा वाला अथी के जगह, यहाँ से घुसे नहा वाला निकल गए, यहीं से ना अटैक हुआ था कर लो देवराजा के। और यहाँ से सुनने में आ रहा कि अटैक हुआ था इसी गुफा से, और बहुत खतरनाक लग रहा है देखने में। ब्लैक खास चीज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पहाड़ के नीचे एकदम देवी जी हैं, और अभी यहाँ बंद किया गया है गेट, नहीं गेट है, और यहाँ पे देखिए, और मस्त देखिए यहाँ पे जाना कितना मुश्किल है, और सभी लोग जा रहे हैं हमारे दोस्त लोग, और हम भी चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं। देखिए चोट नहीं लग जाए, और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं देवी माँ के पास। यहाँ हवन कुंड बनाया गया है, और शंकर भगवान जी यहाँ पे हैं, और नंदी जी भी हैं, और ये शिव जय हो शिव शंकर भगवान। और देखिए खास यहीं का यही चीज़ है कि यहाँ पे पहाड़ के नीचे देवी माँ है, बॉल बत्ती दिखेगा नहीं इसलिए बॉल बत्ती लगाया हुआ है, किसी ने अगर बत्ती जला कर छोड़ दिया है, देख सकते हैं काफी से निकलते जाइए। सबसे अच्छा हमको यही लगा, यहाँ से निकलने वाला रास्ता है, देख लीजिए क्लियर, यहाँ से
धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। उधर से गए थे और हम लोग एक राउंड घूम कर और निकल गए इधर। सर हाल लोग हम लोग आ चुके हैं कहाँ? माँ बाबा पास। माँ बाबा के पास, माँ और बाबा लिखा हुआ है। और प्राचीन सीढ़ी आ चुके हैं। देखिए कितना बड़ा यहाँ शिवलिंग है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना लग रहा है। तो सीढ़ी खत्म हो गया है, अब कच्ची रास्ता आ गया है। और देखिए आगे आगे निशान चल रहा है ड्राइवर, और देख सकते हैं पूरा घना जंगल एकदम दिख रहा है। हाँ देखिए एकदम कच्ची रास्ता है। एक और मंदिर आप लोग को दिखा रहे हैं, देख रहे हैं गाइस रास्ता बहुत कठिन है यहाँ पे आने का। और हम लोग आ चुके हैं, कुछ लोग पहले ही चहक चुके हैं यहाँ पे, देख लीजिए। और यहाँ पे बहुत ही पुराना और बहुत ही एकदम प्राचीन मंदिर है, प्राचीन। आप देखिए यहाँ पे उतर रहे हैं और ये देखिए थक चुके हैं, थक चुके हैं और काफ़ी एनर्जेटिक लोग एकदम उतर रहे हैं खटाखट। सब लोग का एनर्जी आ गया है नीचे जाते। आपको क्या कौन सा एनर्जी पाती है? पोटेंशियल एनर्जी। यस यस वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ घूमने के साथ साथ हम लोग पढ़ाई कर ले रहे हैं साथ में। हमारे पोजीशन के साथ जिंदगी में एनर्जी। यस 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 हम लोग अब उतर रहे हैं बस यहाँ से। 20 मिनट के आसपास 25 मिनट लगे हैं हम लोग चढ़ने में। तो हम लोग 25 मिनट उतर में अभी हम और ऊपर हम लोग अभी चढ़ते, लेकिन ज़्यादा शाम होने के कारण समय का ख्याल रखते हुए हम लोग उतर रहे हैं।